सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दिस राशिद, बीएमएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। अभी कुछ एडमिशंस का टाइम चल रहा है तो बच्चे काफी परेशान हैं कि कौन से स्टेट में कौन सा कॉलेज बेस्ट है प्राइवेट, कौन से स्टेट में जैसे यूपी में कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, उत्तराखंड में कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, दिल्ली में कौन से कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो बच्चे बहुत सारे अभी डीएम करते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि किस स्टेट में जाऊं, मेरे मार्क्स 238 है, क्या मुझे बीएमएस प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, और मिलेगा तो किस स्टेट में मिलेगा। और ऐसे वो इधर उधर फिरते रहते हैं, इधर उधर कमेंट्स करते रहते हैं, इधर उधर लोगों से बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, फिर भी उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती और आखिर में वो लोग ऐसे कॉलेज में जाके फंस जाते हैं जहाँ पे ना पढ़ाई होती है, ना प्रैक्टिकल्स होते, ना अच्छा कैंपस होता है, ना अच्छा इन्वॉल्वमेंट उनको मिल पाता है पढ़ाई वाला। फिर आप कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आप पूछते हो कि अब क्या करें, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, मैं कैसे पढ़ूं, क्या करूं, मैं तो फंस गया, क्या मुझे कॉलेज से वापस फीस मिलेगी। तो इसलिए आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि एक बार आपने फीस दे दी तो फीस कभी रिटर्न नहीं मिलता है और 50% वो लोग आपसे फीस ले लेंगे कॉलेज सीट छोड़ने का। तो ये चीज मेंटली प्रिपेयर हो जाए और कौन से कॉलेज में जाना है ये भी आप लोग सोच समझ लें। इसलिए हमने एक स्टार्ट किया है काउंसलिंग प्रोसेस, बच्चों को काउंसलिंग में हेल्प की जाए, क्योंकि इस स्टेज पे बच्चों को एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है। मार्क्स होते हैं 150, 160, 210, 320, 400, अभी तो जैसे मैंने आपको बताया कि 200 नंबर हो या फिर 520 नंबर हो बराबर ही है, क्योंकि दोनों को जाना तो प्राइवेट में ही है। तो इस चीज से आप लोग बेफिक्र रहे हैं कि मेरा 300 नंबर है, जाना तो प्राइवेट में ही, लेकिन वो प्राइवेट में भी कौन से प्राइवेट में जाना है, इसी चीज के लिए हम लोगों ने एक टीम तैयार की है जिसमें हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर मार्क। बजट फ्रेंडली होगा बिल्कुल आपके, मतलब जैसे मिडिल क्लास हो तो कोई दिक्कत नहीं, उतना लेके चल जाएगा, उतना आप लोग पे कर सकते हो इजिली। 220,000 ऐसे 200,000-250,000 फीस है, मुश्किल से 215,000-220,000 फीस होती है, वो तो हॉस्टल्स लेके हो जाते हैं 4-5 लाख, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसे आप देखोगे तो 215,000-180,000 ऐसे ही फीस होते हैं पर ईयर। उसके बाद कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलेगा काउंसलिंग के अंदर, के काउंसलिंग कैसे होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, काउंसलिंग करनी कब है, और जैसे कि क्या होता है कि जैसे यूपी की काउंसलिंग है तो यूपी की काउंसलिंग आई और चली गई, आपको पता भी नहीं चलता है, तो यूपी के कॉलेज आपको तो मिलने से रहे। ऑल इंडिया काउंसलिंग कराने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसलिंग में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट करती हैं। ऐसे बच्चे जाएंगे जिनका नंबर 650 या फिर 590, 570, ऐसे अभी तो 570-580 सेफ है, उससे नीचे वाले थोड़ा सा डाउट में है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यही गाइडेंस आप लोगों तक अच्छे से पहुंच जाए इसलिए हमने ये टीम वर्क स्टार्ट करा है। इससे आपका फायदा होगा, आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, बजट फ्रेंडली कॉलेजेस मिल जाएंगे और आपको काउंसलिंग में भी हेल्प हो जाएगी, नहीं तो ऐसे काउंसलिंग आपका छूट जाएगा, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे महाराष्ट्र, चाहे गुजरात, चाहे अदर जो भी स्टेट्स हैं, ऐसे आपका काउंसलिंग छूट जाएगा तो कॉलेज मिलने से रहा। और कोशिश करना है कि आप लोग जैसे जिस स्टेट में हो उसके अगल बगल स्टेट में ही जाएं, अगर हो यूपी से और जा रहे हो महाराष्ट्र में तो ऐसा नहीं है, यूपी में ही अच्छे अच्छे कॉलेज में, कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉलेज अच्छे नहीं है, जैसे बिहार में प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है, एक दो कॉलेज हैं वो भी प्रॉपर नहीं है, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ता है, लेकिन अदर स्टेट्स में तो है, अदर स्टेट्स में फैसिलिटी है तो आप वहां जा सकते हो। इसलिए काउंसलिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है आपको। काउंसलिंग जो भी फीस हमने रखी है 500 रखी है, बहुत मिनिमम बजट है, इतना आप लोग ऐसी पॉकेट मनी होगी आपकी। अगर आप फंस जाते हो कहीं किसी चीज में या फिर आपको आप वहां पे 50-60,000 भी दे सकते हो, इसलिए 500 रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं, फ्यूचर के लिए अपने सिक्योर करने के लिए आपको 500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। 500 में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जल्द से जल्द इनरोल करो। मैंने 2 दिन पहले यूट्यूब पे पोस्ट भी करा था ताकि आप लोगों तक मैसेज पहुंचे, फिर भी बहुत बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इसलिए मैं वीडियो प्रॉपर बना दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाओ कि ऐसा भी होता है और ऐसा भी हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द इनरोल करें। बाकी अब जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होंगी मैं काउंसलिंग की तो वीडियो ऐसे ही डालते रहता हूं, यूपी में कब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, उत्तराखंड में कब स्टार्ट होगा, ये सारी चीज इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी आपको। और भी कोई डाउट है तो आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, इंस्टा आईडी जल्द से जल्द फॉलो करो और अपने डाउट्स क्लियर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू।